कुछ समय पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का टुंडी में जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ है और स्थानीय विधायक मथुरा महतो हमारे साथ हैं। मथुरा जी, यह बताइए कि यह जो कार्यक्रम था राज्यपाल महोदय का, आपके नज़र में कैसा कार्यक्रम है? देखिए, हमारे नज़र से टुंडी में आया, इसके लिए उनको हमने आभार प्रकट किया कि राज्यपाल महोदय हमारे टुंडी जैसे धरती में आए। बाकी क्यों आए, काहे आए, ये जनता विचार करेगी, वो हम नहीं बोले। यहाँ पर जितने लोग अंदर थे उससे अधिक लोग बाहर थे। लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए थे, जगह कम थी, लोग उनसे मिल नहीं पाए। कुछ लोगों ने आपसे भी कुछ हमारे पास अभी कोई शिकायत किया नहीं, और जहाँ तक मिलने मिलाने का, तो ये काम मेरा नहीं है, ये काम डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का है, उनका काम है। लेकिन महामहिम ने काफ़ी समय बाहर में भी दिया, लोगों से मिला और लोगों का सुना। एक बयान कुछ दिन पहले राज्यपाल का आया था, उन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेज के ज़माने का गवर्नर नहीं हूँ, मैं आम लोगों से मिलूँगा, उनकी समस्याओं को जानूँगा और फिर उस पर काम करने का प्रयास करूँगा। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रहते हैं? वो कितना करेंगे हमको नहीं पता है, लेकिन अभी जिस तरह से वो घूम रहे हैं, ऐसा कोई महामहिम नहीं घूमा था, और इसके घूमने से कितना लाभ होगा इस समय बताएं। इसका लाभ भाजपा को हो सकता है क्या? ये तो पब्लिक जान, किस लिए घूम रहा है पब्लिक जान रहा है, हमको बोलने की क्या जरूरत है? कुछ आप भी बताइए। हम कुछ नहीं बताएंगे, हम तो इतना ज़रूर बताएंगे कि हम इसी में खुश है कि महामहिम मेरा क्षेत्र में आया, बाकी उसको कितना लाभ मिलेगा ये वो समझे। हम पिछले कुछ दिनों से टुंडी में जो मनियाडी क्षेत्र है वहाँ, कल की बात है, कल वहाँ पर गए थे। DMFT फंड से एक स्कूल भवन का निर्माण हुआ है और हैंडओवर दिए हुए महज 20 दिन हुए हैं, और स्कूल का छज्जा टूटकर गिर रहा है, क्रैक दीवार में आ गए हैं और जो खिड़कियाँ हैं वो टूट गई हैं। तो क्या कहेंगे इस तरह के निर्माण कार्य पर और आपके ही कंस्टिट्यूएंसी की ये बातें? देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो योजना है उसको हम धरातल तक लाते हैं। ज़िले में DMFD फंड का कोई काम होता नहीं था, लेकिन इस बार हमने DMFD फंड का बहुत सारा काम हम अपने क्षेत्रों में लाए हैं, और काम का गुणवत्ता को देखना ये विभागीय पदाधिकारी काम है। हमें आपके मार्फत सूचना मिल रहा है, हम उसको जांच कराएंगे। लोकसभा चुनाव भी आने वाला है और तमाम भाजपा के बड़े नेताओं का दौरा धनबाद, खास करके धनबाद के तमाम, धनबाद और गिरिडीह क्षेत्र में शुरू हो गया है। पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ गए हैं और भी कई लोग आ गए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी आ गए हैं। इनके दौरे को आप किस नज़र से देख रहे हैं? जब महामहिम में घूम रहा है तो सब कौन गल तो अब क्या मतलब कुछ मैसेज देंगे भाजपाइयों को? हम क्या मैसेज देंगे, पब्लिक ही सब देख रहा है, समझ भी रहा है, जान भी रहा है। ऐसा थोड़ी है, पब्लिक अब अनभिज्ञ नहीं है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब मार्क कर रहा है, और इसका हिसाब तो 2024 के चुनाव में ही पब्लिक देगा। हम लोग आप गिरिडीह लोकसभा चुनाव से, लोकसभा क्षेत्र से या धनबाद लोकसभा क्षेत्र से इस बार प्रयास करेंगे? हमारा पार्टी क्या कर रही हम नहीं कर सकते, बाकी हमारा कोई तैयारी कहीं पर नहीं है, पार्टी जब जो विचार करेगी किया जाएगा। आपकी अपनी तैयारी कैसी है? हमारा कोई तैयारी नहीं है। इन दिनों जयराम महतो भी एक बड़ा फैक्टर बन गए हैं। जयराम महतो ने नई पार्टी बनाई है, झारखंड छात्रों को लेकर के तमाम खतियानी मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं, और तमाम जगहों पर वो आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि सरकार ने झारखंडी युवाओं के को ठगने का काम किया है, नियोजन नीति नहीं बनाई और तमाम चीज़ें जो हैं, और बाहरी लोगों को नौकरी दे रहे हैं। इस पर क्या बोलेंगे? इस पर उनका जो कहना है सो वो समझे, और बाकी चीज़ जो है पब्लिक सारा चीज़ समझ रहा है, पब्लिक सर्वे सर्वा है, उसका कहने पर और हमारा कहने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जयराम की भीड़ सभाओं में हजारों लाखों की भीड़ उमड़ रही है, इस पर आप लोगों को चिंता हो रही है या नहीं? एक को पैसा की चिंता नहीं है, भीड़ से अगर वोट होता तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जयललिता जी भीड़ जुटाई थी, जो उस बार बुरी तरह हार गई। लेकिन ये तो नए छात्र नेता बने हैं, छात्र नेता से अभी राजनीति में कदम रख रहे हैं, इन कहीं ना कहीं कई जगहों पर तो लड़के जो हैं उन्हें कुछ और ही पोस्ट से सुशोभित करने की कोशिश में है। आपका टुंडी विधानसभा क्षेत्र में अगर वो आ गया चुनाव लड़ने के लिए, तब आप किस परिस्थिति में रहेंगे? वो तो पब्लिक के ऊपर है, कोई आवे जाए हमको क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक जिसको चुन ले कोई दिक्कत नहीं है।
मथुरादास हैं, काफ़ी मुगोल मटोल जवाब दे रहे हैं। इनका कहना है कि आम जनता तय करेगी कि लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें किस तरह से जनता का निर्णय होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो भाजपा के नेता और बड़े बड़े नेता जो यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, चाहे वो धनबाद का क्षेत्र हो या गिरिडीह का क्षेत्र हो, इन तमाम जगहों पर जो उनका कैंप हो रहा है, यहाँ तक कि महामहिम राज्यपाल का जो कैंप जो दौरा है, इस पर इन्होंने कोई सीधी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जरूर इशारों में बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।